क्यों पीएम मोदी रिसेंटली इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद भी भूटान जाके आए हैं। एक्चुअली चाइना काफी टाइम से भूटान पर प्रेशर बना के उसे एक एक्सचेंज ऑफर दे रहा है कि भूटान चाइना को सिर्फ अपना डोकलाम एरिया दे दे, जिसके बदले में वो बाकी के सारे चाइना क्लेम लैंड्स जैसे जकरलंग और पसमलंग भूटान को वापस दे देगा। पर चाइना डोकलाम एरिया के लिए इतना डेस्परेट क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि डोकलाम एक अपर ग्राउंड एरिया है जिसका गलत फायदा उठाकर चाइना भारत की चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर लगातार नजर रख सकता है और कभी भी उस पर हमला कर सकता है। और भारत के लिए छोटा सा एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एक छोटा सा रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है, जिसको हमने पिछली रील में भी कवर किया था। और इन्हीं सब रीजन से पीएम मोदी रिसेंटली भूटान गए थे वहाँ के न्यूली इलेक्टेड पीएम से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहाँ पीएम मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला है। और साथ ही इंडिया ये भी चाहता है कि भूटान से होता हुआ एक रोड नेटवर्क बिल्ड किया जाए जो भारत के तवांग और गुवाहाटी को कनेक्ट करे, जिससे अरुणाचल प्रदेश का कनेक्शन रेस्ट ऑफ द इंडिया से स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आपकी इस बारे में क्या व्यूज है कॉमेंट्स में बताओ। एंड फॉर मोर